अनफॉर्चुनेटली यह काम और जब पीरियड्स या मासिक धर्म अनियमित हो जाते हैं या इनर पार्ट से ब्लड की मात्रा ज्यादा होती है, उन सब स्त्रियों में ज्यादा होता है। सर्वाइकल कैंसर को बहुत ही खतरनाक माना गया है क्योंकि यह सिर्फ सर्विक्स के रीजन तक ही सीमित नहीं होता बल्कि रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर के अंगों को होती है और ये इसमें कुछ जो स्राव होते हैं या सेल्स होती हैं जो सर्विक्स के अंदर, उसको हम लोग स्क्रैप करके एक उसमें एक स्पैचुला होता है जिसके द्वारा हम लोग उसको निकाल लेते हैं। स्टेज वन एंड टू जो है स्टेज, ये अगली स्टेज है और इस स्टेज में अगर इनका इलाज होता है तो वो है कि अगर बच्चेदानी को निकाल दिया जाए और उससे बगल में संबंधित जितनी लिम्फ नोड से निकाल दिया जाए तो वो पूरी तरह से क्योर हो जाता है। लेकिन अगर स्टेज थ्री एंड फोर पे पहुँचे तो वो जो है उसमें इलाज संभव नहीं हो पाता। इलाज होता है लेकिन उसमें मृत्यु दर बढ़ जाती है। ऐसे उसमें थर्ड एंड स्टेज फोर कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी की जाती है। देखिए, जो गायनेकोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसके स्थानीय चैप्टर में डॉक्टर रुंगटा और उनकी टीम के द्वारा हम लोग से रिक्वेस्ट किया गया था कि जो पुलिसकर्मी हैं और उनके परिवार वाले जो लोग हैं उनके बीच जागरूकता फैलाने के लिए, कैंसर से बचाव के लिए और पहले से जानकारी हो इसके लिए एक शिविर का आयोजन वो करना चाहते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, इसलिए हम लोगों ने तुरंत इसकी स्वीकृति दे दी और हम लोग इसमें सहभागी बने हैं। और आज इस ज़िले के जो नामचीन डॉक्टर्स हैं, महिला डॉक्टर्स, वो आई हैं और वो हमारे पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मियों के जो परिवार के लोग हैं उनके जांच की जा रही है सर्वाइकल कैंसर की और ब्रेस्ट कैंसर की। तो ये बड़ा अच्छा है और इसके लिए राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की तरफ से पहले से सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया था और उसी के आलोक में ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। महिला दिवस पर संदेश बस यही है कि हमको अपने जीवन में उतारना होगा कि महिलाएं बराबर रहें और 365 दिन बराबर रहें। ऐसा नहीं कि हम एक दिन इसको ऑर्नामेंटल तरीके से मनाएं और बाकी दिन हम फिर उनके साथ कुछ ऐसा करें कि वो अपने आप को बराबर नहीं समझें। बस सारा सब चेकअप होगा और इनके बाद में जो सारा डायग्नोसिस हो जाएगा क्या हो रहा है और उसके बाद हम लोग सब पेशेंट को भेजेंगे, ट्रीटमेंट भी हम करेंगे और आई आप रेफर कर दीजिए। महिला दिवस के अवसर पर पुलिस कार्यालय में आज यहाँ पर जो स्तन कैंसर को लेकर जागरूक को कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या क्या जांच चल रहा है सर, इसमें ये बताया जाए। एक्चुअली ये क्या है कि जो महिला डॉक्टर हैं उनकी एक संगठन है, तो उस संगठन पूरे इंडिया में इस बार से वो क्या कर रही हैं कि एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला रही हैं। औरत की देखी जाए मृत्यु जो होती है अकाल मृत्यु, उसका सबसे बड़ा कारण होता है सर्वाइकल कैंसर और उसके बाद जो कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर। तो हुआ कि क्यों नहीं शुरुआत जो है हम लोग रेगुलर वे में किया जाए
और जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो कि थोड़ा सा जिनके हस्बैंड आउटडोर एक्टिविटीज उनकी ज़्यादा होती है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उनके फैमिली का केयर हम लोग क्यों नहीं करें, जब वो हमारे केयर वो करते हैं तो हम लोग क्यों नहीं केयर करें। तो हम लोगों ने एक मूवमेंट उठाया है और जितने भी लेडीज़ हैं उनका हम लोग यहाँ पे बुला के सर्वाइकल कैंसर, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, उसका हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। यहाँ पे पहले डायग्नोसिस वगैरह हो जाता है, अगर डाउटफुल केस होगा तो हम लोग वो हायर सेंटर में उसको रेफर करेंगे, जिससे कि अर्ली डिटेक्शन। कितने डॉक्टरों की टीम आज यहाँ पर आई है? यहाँ पे 4 लेडी डॉक्टर हैं और हम लोग 3 मेल डॉक्टर हैं, यानी पूरी तरीके से उनका एग्जैक्टली ये बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, सर्वाइकल कैंसर का हम लोगों ने यहाँ डिटेक्शन करेंगे और उसके बाद भी उसका